का स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा करेंगे यहां पर कमोडिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज सुबह कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आया है। शुक्रवार का दिन है, कमोडिटी बाजार के कारोबारी सप्ताह का आखिरी कारोबारी दिन है, तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम नॉन एग्री कमोडिटीज से, सोने चांदी से। तो सोने चांदी में देख रहे हैं कि सोना आज इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर थोड़ा और ज्यादा लुढ़का है। कल की कारोबारी सत्र की बात की जाए तो कल को तो हमने देखा था कि $1,850 के आसपास देखने को मिला था गोल्ड इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में, लेकिन अब वही देख रहे हैं कि $1,825 के जो दायरा है उसमें ट्रेड करता नजर आ रहा है। यानी कि कल के मुकाबले आज गोल्ड में इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर लगभग $25 की जो गिरावट है वो देखने को मिल चुकी है। चांदी की बात की जाए तो कल को चांदी भी $21 के आसपास थी, आज $20 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि डॉलर के अंदर लगातार तेजी देखने को मिल रही है। जो अमेरिका है वहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट है वो लगातार हाई देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो सोने चांदी है उनकी कीमतों में यहाँ पर नरमी दर्ज की जा रही है। अब जितने भी निवेशक थे सोने चांदी में जिन्होंने निवेश किया था, अब वो US ट्रेजरी यील्ड्स, US बॉन्ड्स और डॉलर की तरफ जा रहे हैं, उनमें ज़्यादा निवेश हो रहा है, इसलिए डॉलर ज़्यादा तेज है और गोल्ड सिल्वर में यहाँ पर हम कमी आते हुए देख रहे हैं। तो अब गोल्ड सिल्वर यहाँ से और प्राइसेस इनके टूटेंगे या फिर यहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। रूपा जी देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज गोल्ड में $25 की गिरावट देखने को मिल चुकी है। कल तो डॉलर $1,850 के आसपास था, अब $1,824 पर देख रहे हैं। रूपा जी आपको क्या लगता है, क्या सोना अभी यहाँ से $1,800 के नीचे भी जाएगा? अगर उसको ब्रीच करता है तो फिर डेफिनेटली उस पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर डॉलर के अंदर अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से सोने में लगातार गिरावट बनी हुई है और चांदी भी अपनी ऊपरी स्तरों से फिसलती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल के लिए सोना और चांदी गिरावट की तरफ है और शॉर्ट टर्म रैली है इसके अंदर। अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म इंट्राडे स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सेलिंग करके चला जा सकता है जी। रूपा जी कच्चे तेल में भी देख रहे हैं कि कच्चे तेल में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। कल भी हमने कच्चे तेल में बढ़त आते हुए देखी थी, आज भी देख रहे हैं बढ़त है। WTI $107 पर है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $109 पर। रूपा जी आपको क्या लगता है, ओपेक प्लस तो कह रहा है कि जो डिमांड है वो घटेगी, मार्केट में इतना क्रूड की सप्लाई देखने को नहीं मिल रही है, रशिया पर इतने प्रतिबंध हैं, दूसरी तरफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कह रही है कि वो मार्केट में जरूरत पड़ने पर और ज़्यादा ऑयल रिलीज करेगी, तो इन सब के बीच कुछ फैक्टर्स तो नेगेटिव वाले हैं, कुछ फैक्टर्स पॉजिटिव हैं क्रूड के। तो अब ऐसे में क्रूड ऑयल का बाजार कैसा कारोबार करता नजर आ सकता है? देखिए अभी तो फिलहाल मार्केट पॉजिटिव है क्रूड का अगर देखा जाए तो, क्योंकि फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है और लगातार हमने इसको देखा है कि $100 के नीचे सस्टेनेबिलिटी नहीं आई। टेक्निकली देखें तो अब यहाँ से $112 से $120 तक की तेजी फिलहाल बनते हुए दिखाई दे सकती है और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी जो मार्केट है वो तेजी के साथ कारोबार करता दिखाई दे सकता है। और वायदा के अंदर अगर देखा जाए तो कच्चा तेल अब लग रहा है कि एक बार 8500 का स्तर छूता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो काफी ज्यादा है और अब जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, डॉलर इंडेक्स लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, रुपए में कमजोरी है, तो इसका असर जो है अब प्राइसेस के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है और माना यह जा रहा है कि अभी मार्केट जो है $10 से $20 की तेजी और दिखा सकता है जी। यही से रूपा जी नेचुरल गैस में क्या लगता है आपको? नेचुरल गैस में देख रहे हैं कि कभी मंदी तो कभी तेजी देखने को मिल रही है, तो अब नेचुरल गैस का एक्चुअल में बाजार कैसे रहने वाला है और क्या प्राइसेस होंगे इसकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर? देखिए जहां तक नेचुरल गैस की बात है, नेचुरल गैस में गिरावट देखने को मिल रही है, लगातार प्राइसेस ऊपरी स्तरों से फिसले हैं, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर लग रहा है कि 580 के आसपास सपोर्ट आ सकता है और ऊपर में 620 640 तक की तेजी की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि एनर्जी ओवरऑल पूरा ही एनर्जी सेक्टर फिलहाल तेजी की तरफ दिखाई दे रहा है और इसके अंदर कंटिन्यूशन में बाइंग जो है वो बनी रह सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विदेशी बाजारों में भी तेजी का ही माहौल है और घरेलू बाजारों में भी। अभी हम आज भी देखा जाए तो $60 के ऊपर ऑलरेडी हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, तो $8 के आसपास सस्टेन हो सकता है मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट भी 650 तक ऊपर जा सकता है जी। रूपा जी बेस मेटल्स का बाजार देख रहे हैं, बेस मेटल्स के बाजार में भी यहाँ पर हमने नरमी आते हुए देखी है, करेक्शन आते हुए देखी है, आपको क्या लगता है क्या बेस मेटल्स का बाजार अभी ऐसा ही बना रहेगा?
देखिए बेस मेटल्स में अभी गिरावट है क्योंकि चाइना की तरफ से डिमांड नहीं निकल रही है, जिसकी वजह से लगातार प्राइसेस जो है वो दबाव के अंदर बने हुए हैं। ओवरऑल सेगमेंट पॉजिटिव है नो डाउट, लेकिन अभी गिरावट जो है वो थमती हुई नजर नहीं आ रही, ऊपरी स्तरों से करेक्शन लगातार बढ़ती जा रही है। कॉपर की बात करें तो 720-700 तक नीचे लुढ़क सकता है। कॉपर के साथ साथ लग रहा है कि मुझे जिंक में भी गिरावट जो है वो बढ़ सकती है। जिंक भी नीचे में 300 का लेवल देखिए ऑलमोस्ट 300 के पास है, तो मुझे लगता है कि 300 तक नीचे लुढ़क सकता है। जी रूबा जी, आज टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप नॉन एग्री कमोडिटीज में? देखिए आज मुझे लगता है कि क्रूड में बाइंग किया जा सकता है और गोल्ड में भी क्वाली करके चला जा सकता है। जी ये से रूबा जी, आने वाला कारोबारी सप्ताह नॉन एग्री कमोडिटीज के बाजार के लिए कैसा साबित हो सकता है ओवरऑल? देखिए ओवरऑल बाजार में काफी ज्यादा अपसाइड एंड डाउनसाइड देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूशन में हम देख रहे हैं वोलेटाइल काफी हो चुका है और अगला हफ्ते में भी कुछ अहम डेटा रिलीज होने उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन मार्केट जो है गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अपना 1800 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। गोल्ड के अंदर अगले हफ्ते हो सकता है कि बाइंग वापस से इनिशिएट होती हुई दिखाई दे, लेकिन कच्चा तेल मुझे और ज्यादा तेजी में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबरों का सिलसिला लगातार ही बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर।